नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जयपुर सिटी और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोटपुतली में, जहां पर आबकारी थाना पुलिस का बड़ा एक्शन। 50 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब भरा ट्रक जब्त किया गया है। आरोपी चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग गया। ट्रक में भरे हैं अंग्रेजी शराब की 1175 कार्टन। मुखबिर की सूचना पर गोनेड़ा चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही कोटपुतली में, आबकारी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 50 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब भरा ट्रक पकड़ा गया है। आरोपी चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग गया है और ट्रक में भरे हैं अंग्रेजी शराब के 1175 कार्टन। मुखबिर की सूचना पर गोनेड़ा चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस की तरफ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, 50 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब भरा ट्रक जब्त किया गया। आरोपी चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो चुका है। ट्रक में भरे हैं अंग्रेजी शराब के 1175 कार्टन। मुखबिर की सूचना पर गोनेड़ा चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही कोटपुतली में, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 50 लाख रुपए के अंग्रेजी शराब को जब्त किया है, बताया जा रहा है। अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। अमित, क्या कुछ जानकारी और है पूरे मामले पर? देखिए संजय, बताना चाहूंगा कि ये मुखबिर की सूचना पे आबकारी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है और ये तो एक अनुमानित कीमत बताई गई है, करीब 50 लाख रुपए, लेकिन ये ज्यादा भी कीमत हो सकती है जब इनकी मार्केट में रेट पूछी जाएगी। तो हमारी जो आबकारी सीआई उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि इसकी तादाद कहीं 70-80 लाख रुपए के करीब बैठ सकती है। और कोटपुतली जो आबकारी पुलिस है, उन्होंने काफी लंबे समय बाद इस तरह की कार्रवाई की है, लेकिन इसमें जो ड्राइवर है, जो चालक, वो मौके से फरार हो गया। जैसे ट्रक आते हुए दिखा आबकारी थाना पुलिस को, तो उन्होंने चेक पोस्ट पे रोका, लेकिन जैसे पुलिस ने उसको रोकने को, उसकी चालक दूर से ही उसको ट्रक को छोड़ के भाग गया था। लेकिन फिर भी आबकारी थाना पुलिस को एक अच्छी कार्रवाई मिली है। और इसमें बिल्कुल सही है अमित, आपने शुक्रिया इसमें तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल सही कहा, इसकी कीमत बढ़ सकती है और कुल मिलाकर यह है कि चालक फरार हो चुका है, लेकिन बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि बढ़वाने के लिए अभ्यर्थियों ने अब तक सरेंडर नहीं किया है। हालांकि शिक्षा मंत्री उनकी मांग को पहले ही खारिज कर चुके हैं। अभ्यर्थियों ने सीएम से मुलाकात की है, मांगे नहीं माने जाने पर उन्होंने जगतपुरा में रेलवे लाइन पर प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं भरत राज की। 1 जनवरी से प्रस्तावित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की डेट आगे बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थियों का दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा। सुबह अभ्यर्थियों का दल बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ सीएम से मिला। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से वार्ता को सौहार्दपूर्ण बताया। अब मंत्री सीएम से इसको लेकर चर्चा करेंगे। मांगों पर मुख्यमंत्री को अंतिम निर्णय लेना है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री पहले ही भर्ती परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग को खारिज कर चुके हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी सरेंडर के मूड में नहीं। अब मंत्री डोटासरा इस मुद्दे पर सीएम से चर्चा करेंगे। मांगों पर मुख्यमंत्री को अंतिम निर्णय लेना है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग को नहीं माना जाता है तो मंगलवार से जगतपुरा में उग्र आंदोलन करते हुए रेलवे पटरियों पर आंदोलन होगा। भरतराज, जी मीडिया, जयपुर। और बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से आ रही है, जहां पर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जानकारों के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और खबर, सरकार ने परीक्षा को समय पर ही करवाने का फैसला लिया है। आज दिन में प्रतिनिधिमंडल के साथ चली थी 2 दौरे की वार्ता। वार्ता के बाद परीक्षा को समय पर ही करवाने का फैसला लिया गया। 3 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होनी है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, आज 2 दौरे की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है कि जो टाइम पहले से तय किया गया है उसी के आधार पर ही परीक्षा करवाई जाएगी। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सरकार ने परीक्षा को समय पर ही करवाने का फैसला लिया है। आज दिन में प्रतिनिधिमंडल के साथ चली थी 2 दौर की वार्ता, लेकिन इसके बावजूद जो मांगे थी उसको सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो वक्त पहले से तय किया गया था, शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो वक्त पहले से तय किया गया था उसी के आधार पर उसी समय में परीक्षा करवाई जाएगी। और आपको बता दें कि 3 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में यह परीक्षा का आयोजन करना पहले से तारीख तय की गई है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा इसी के बीच में करवाई जाएगी। 3 से 13 जनवरी के बीच में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 2 दौर की वार्ता के बाद भी आज बात आगे नहीं बढ़ी। ललित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मामले पर है? क्योंकि लगातार कई दिनों से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश थी, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि जो तय समय है उसी में परीक्षा होगी। जी बिल्कुल संजय, अगर इस पूरे मामले में बात की जाए तो सरकार जिस स्टैंड पर पहले थी उसी स्टैंड पर नजर आ रही है।
आज सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी, उसके बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से सीएमआर से मुलाकात हुई थी, उसके बाद सचिवालय में जो आरपीएससी के अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में वार्ता हुई थी। लेकिन शाम होते होते अब जो जानकार सूत्रों से बड़े संकेत मिले हैं, बड़ी जानकारी मिली है, वो ये है कि परीक्षा को समय पर ही करवाने का फैसला लिया गया है। हालांकि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे, वह दिल्ली में है, दिल्ली तक उनको रिपोर्ट पहुंचा दी गई है। जो वार्ता हुई थी, साथ ही अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री ने मीटिंग ली थी, उसके बाद इस पूरे मीटिंग की जानकारी और जो इनकी मांगे हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत करवा दिया गया है। अगर आरपीएससी के अधिकारियों की बात की जाए या शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो इन्होंने जो परीक्षा है 3 जनवरी से 13 जनवरी तक ही करवाने की सहमति जताई है। तो ऐसे में अब साफ हो गया है कि जो परीक्षा सरकार पहले भी जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं कि परीक्षा को समय पर करवाने को लेकर सरकार लामबंद है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एक बिल्कुल सही है। ललिता, आपने कहा शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि जो वक्त तय किया गया था उसी के आधार पर उसी तय समय में परीक्षा करवाई जाएगी। आज प्रतिनिधि मंडल मिला लेकिन इसके बावजूद सरकार का स्टैंड अभी भी क्लियर है। जयपुर को भले ही यूनेस्को की हेरिटेज सिटी की लिस्ट में जगह मिल गई हो लेकिन आज भी जयपुर को हेरिटेज सिटी के नाम पर एक धोखा सा लगा है। तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर के 4 दीवारी में हेरिटेज वॉक वे बनाया गया था लेकिन न जाने इस हेरिटेज वॉक वे को कौन निगल गया। न नगर निगम प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी है और ना ही किसी को। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2014-15 में 3 करोड़ की लागत से चौड़ा रास्ता और किशनपुर बाजार के बीच बनवाया गया हेरिटेज वॉकवे बदहाली के आंसू बहा रहा है। राज्य सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके कोवल स्टोन यहां पर लगाया, हेरिटेज वॉकवे बनाया, हेरिटेज लाइटें लगाई, लेकिन ना तो हेरिटेज जो पोल है उनके ऊपर हेरिटेज लाइने है, ना इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइने है वो अंडरग्राउंड हो पाई है। हेरिटेज वॉकवे में रियासतकालीन कला, पुरानी हवेलियां, बाजार और 4 दीवारी का वाटर सिस्टम और तब के जमाने की सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को दर्शाया जाना था लेकिन आज वॉकवे की हालत ऐसी है कि यहाँ टूरिस्ट आना ही नहीं चाहते हैं। टूरिस्ट इसलिए घबराता है कि यहाँ पे एक तो गंदगी रहती है और सफाई कर्मचारी को फोन करते हैं, फोन कोई उठाता नहीं। जब कोई बड़ा अधिकारी आता है ना देखने के लिए तो सफाई एरिया हो जाती है वरना कुछ नहीं है इसके अंदर। आज सीवर का पानी आ रहा है नलों के अंदर, देख रहे हैं, आते हैं, देख के चले जाते हैं। दरअसल ब्रिटेन के तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स सन 2006 में जयपुर घूमने आए थे। वो इसी रास्ते पर घंटों तक घूमे थे और यहाँ की कला देखकर अचंभित रह गए थे, तभी से इस रास्ते को हेरिटेज वॉकवे नाम दिया गया था। अधिकारियों के हाथ में शिकायत करके हम दुखी हो चुके हैं। आज ये है कि इसकी लाइन जो है वो चौक पड़ी हुई है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 15 दिन से हम दुख पा रहे थे तो आज 5 जने जाके हमने गटर लाइन खुलवाई है, 5 जने जाके 15 दिन से चक्कर खा रहे हैं वहाँ पे। प्रोजेक्ट तो गया, ये तो जैसे लाइट लगाई ये खाली 3 दिन लाइट जली उसके बाद में लाइट उखाड़ उखाड़ के ले गए। इस वॉकवे पर करोड़ों की कीमती पत्थर लगाए गए थे लेकिन वो भी चोरी हो गए, लाइट्स तक गायब कर दी गई है लेकिन हेरिटेज सिटी जयपुर की दुर्दशा पर नगर निगम प्रशासन खामोश है। जी राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। जिला परिषद के 60 साल के इतिहास में जयपुर जिला परिषद में दूसरी बार 10वें जिला प्रमुख के रूप में सामान्य वर्ग की महिला जिला प्रमुख बनेंगी। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर पंच, सरपंच और जिला प्रमुख पद की लॉटरी निकाली गई है लेकिन जयपुर जिले में जिला परिषद सदस्य सहित प्रधान पंचायत समिति सदस्य की लॉटरी स्थगित हो जाने से जिला प्रमुख की दावेदारी जताने वालों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। जिला प्रमुख के पद के लिए शनिवार को आरक्षण का जयपुर में निर्धारण होने के साथ ही पंचायत राज चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जयपुर में 60 साल बाद दूसरी बार सामान्य वर्ग की महिला जिला प्रमुख की सीट पर रहेगी। वर्ष 2000-2005 में मधु शर्मा जिला प्रमुख रही थी। उधर सामान्य महिला की सीट होने के कारण नेता अब अपने पक्ष की महिला जनप्रतिनिधि को जिला प्रमुख की दौड़ के लिए तैयार करने में जुटे हैं ताकि उनका राजनीतिक वर्चस्व बना रहे। लॉटरी के बाद जिला प्रमुख पद की दावेदारी के लिए कांग्रेस और भाजपा अपने अपने नेताओं से रायशुमारी करने में लग गई हैं। जिला परिषद में वर्तमान में 51 वार्ड हैं, विभिन्न श्रेणियों में महिलाओं के लिए कुल 25 वार्ड आरक्षित हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों को जिला प्रमुख का दावेदार इन्हीं महिला पार्षदों में से चुनना होगा।
जिसके लिए अभी से गुणा भाग शुरू हो गया है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। CAA और NRC के विरोध में देशभर में हिंसक प्रदर्शन के बीच रविवार को जयपुर में सर्वदलीय और सर्व समाज का शांति मार्च एक नजीर बन गया। अहिंसक तरीके से विरोध के इस मार्च की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि शांति मार्च के सफल होने के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी टीम दिन रात लगी रही? रिपोर्ट देखिए। नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध में जयपुर की सड़कों पर सर्वदलीय समाज के लोग और नेताओं का ऐतिहासिक शांति मार्च देश भर में सुनाई देने लगा है। सोचिए, जिस वक्त देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की जो भद्दी तस्वीर सामने आई, जयपुर में विरोध का यह शांति मार्च एक सुखद एहसास दे गया। किसी मुद्दे पर विरोध का ये तरीका देश के सामने एक नजीर पेश कर गया। इसके पीछे CM गहलोत का शानदार नेतृत्व और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। नागरिकता संशोधन कानून NRC से उस पत्र का कोई संबंध ही नहीं है। पता नहीं क्यों अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जिस रूप में बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, इस समझ के परे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार NRC और CAA का विरोध कर रहे हैं। उनकी मंशा थी कि सिविल सोसाइटी के लोगों को भी एक मंच पर लाया जाए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अहिंसावादी तरीके से विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, मुख्य सचेतक महेश जोशी, बीच निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान और कांग्रेस महासचिव पुखराज पाराशर को अहम जिम्मेदारी सौंपी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक लेते रहे। 20 दिसंबर को CM गहलोत ने सिविल सोसाइटी और कांग्रेस के नेताओं के साथ दो बैठकें की। 21 दिसंबर को CM गहलोत ने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयोजन को सफल बनाने में जयपुर पुलिस का भी अहम योगदान रहा। CM गहलोत की मंशा थी कि समान विचारधारा के राजनीतिक दलों के दिग्गज एक मंच पर जुटें। कार्यक्रम में CPM, CPI, JDUS सहित तमाम सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। CM गहलोत ने CAA और NRC पर विरोध का गांधी जी के अहिंसा का मार्ग अपनाया। जयपुर का शांति मार्च इस बात का संदेश था कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अगर नागरिकों को किसी बात का विरोध करना है तो अहिंसात्मक तरीके से विरोध प्रदर्शन से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में पंचविहार कॉलोनी में पिछले 8 महीने से गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। स्थानीय लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, पानी से दुर्गंध आती है। जलदाय विभाग इस बाबत कई बार शिकायत उसको की जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं मिला। आज जलदाय विभाग के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। महिलाएं शामिल थी और सभी ने कहा कि जब तक पानी सही नहीं मिलता है तब तक उनका प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा। नाड़ियों को पानी आ रहे थे, बहुत गंदा पानी आ रहा है। पानी की समस्या बहुत है और पानी 9 महीने से 10 महीने से पानी गंदा पानी आ रहा है हमारे यहाँ पे। अब हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, ये खबर आपको झकझोर देगी। राजधानी जयपुर में चाइनीज मांझे ने मासूम की गर्दन उड़ा दी, एक युवक का गला कट गया। हैरानी की बात यह है कि राजधानी में यह खूनी खेल तब चल रहा है जब चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक है। जयपुर से देखिए सनसनीखेज वाली रिपोर्ट। पतंग ने काट दी जिंदगी की डोर, चाइनीज मांझे का खूनी खेल, एक मासूम बच्चे की ले ली बलि। आसमान में उड़ती ये रंग बिरंगी पतंगे न जाने कितने लोगों को आसमान में उड़ने के सुनहरे सपने दिखाती हैं, बच्चों में रोमांच पैदा करती हैं। लेकिन चाइनीज मांझे के दांव पेट से अनजान जब ये पतंग और मांझे लोगों की सांसों की डोर काटने लगे तो कलेजा छलनी हो जाता है। 4 साल के मासूम फैजुद्दीन की सांसों की डोर भी इस चाइनीज मांझे ने बेदर्दी से काट दी। सुडोला में भी एक युवक का चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गला कट गया। ये तस्वीर को धुंधला करना हमारी मजबूरी है,
लेकिन आज आपको इस तस्वीर से जी नहीं चुराना चाहिए। चाइनीज मांझे के खिलाफ आपको भी आवाज उठानी चाहिए, वरना अगला शिकार कोई भी हो सकता है। रहमान कॉलोनी निवासी फैजुद्दीन नर्सरी में पढ़ता था। अपने पिता के साथ बाइक पर आगे बैठकर खुशी खुशी मौसी के घर जा रहा था। मौसी के घर पर फैजुद्दीन का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। तभी त्रिपोलिया बाजार के पास ये मासूम चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। पतंगों की डोर काटने वाले खतरनाक मांझे ने फैजुद्दीन का गला काट दिया। पिता अपने कलेजे के टुकड़े को खून से लथपथ देखता रह गया और फैजुद्दीन की सांसें उखड़ गई। को लेकर के दोनों बेटे मेरे भाई, हम तीनों चारों जा रहे थे गाड़ी पर। छोटा बेटा मेरा आगे बैठा था। हम छोटी चौपड़ के लिए जा रहे थे किशन बाजार त्रिपोलिया से। पहले मुरली पान वाले के वहाँ अचानक ही मंजा आया और इतना तेज आया कि मेरे बच्चे का गला बिल्कुल रेत तवा चला गया। जैसे मेरा बच्चा चिल्लाया, मैंने गाड़ी रोकी, उसको देखा तो बहुत ज्यादा कट चुका था। राजस्थान में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगी है। इसके बावजूद शहर में खुलेआम चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। मकर संक्रांति को लेकर अभी से चाइनीज मांझे की बिक्री शुरू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई का वही झूठा राग अलाप रहा है। हमारे इसमें बहुत स्पष्ट डायरेक्शंस हैं, बहुत स्पष्ट निर्देश हैं और हम वापस इन निर्देशों को एम्फेसाइज करेंगे और एग्जीक्यूट भी करेंगे कि इस तरह चाइनीज मांझा जो पूरी तरह प्रतिबंधित है वो नहीं बिके। और इस तरह की जो दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत ही इस तरह की दुर्घटनाएं हैं कि जिससे परिवार का एक बच्चा चला गया, तो हम इसको वापस ठीक से देखेंगे। सारे SHOs को और सभी नीचे के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करेंगे। इस जानलेवा चाइनीज मांझे से हर साल देश भर में कई लोगों की मौत हो जाती है, सैकड़ों पशु पक्षी भी घायल हो जाते हैं। दरअसल चाइनीज मांझा देसी मांझे के मुकाबले सस्ता होता है। शीशा, प्लास्टिक और लोहे के बुरादे से मिलाकर बनने वाला ये मांझा काफी खतरनाक होता है। बिजली के तार में पड़ने पर इसमें करंट भी उतर सकता है। इस मांझे से दूसरे पतंग की डोर भी जल्द कटती है, लेकिन ये इंसान और पशु पक्षियों के लिए उतना ही जानलेवा है। शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर। फिर जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फेसबुक पेज से शेयर की गई पोस्ट पर गलत तरीके से टिप्पणी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ है। एडवोकेट हरिकिशन सैनी ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। दरअसल हरिकिशन सैनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से फेसबुक ग्रुप चलाते हैं। आरोप है कि ऑफिशियल पेज पर लीलाराम शर्मा और भीम सिंह नामक शख्स ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धमकी देते हुए अभद्र कॉमेंट किए। पुलिस ने IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आगे अब पड़ताल शुरू कर दी है। एक मिस्टर सैनी करके एक लॉयर हैं, उनके फेसबुक पेज पर कोई इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी थी। हम फेसबुक से डिटेल्स मांग रहे हैं और जैसे ही डिटेल्स आएंगी, हम इसमें जो भी व्यक्ति जिसने भी इस तरह के कमेंट किए हैं आपत्तिजनक, उसके खिलाफ जो भी कानूनन कार्रवाई बनती है, कानून सम्मत कार्रवाई बनती है, की जाएगी। जयपुर के हनुमान मोटर ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। जयपुर RTO राजेंद्र कुमार वर्मा ने ड्राइविंग स्कूल का अधिकार पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। दरअसल RTO की जांच में मोटर ड्राइविंग स्कूल द्वारा प्रार्थी की उपस्थिति के बिना ही फोटो से फोटो कैप्चर कर लाइसेंस जारी करना पाया गया था। इस बाबत मोटर ड्राइविंग स्कूल से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर के साइबर थाना पुलिस ने ठगी के मामले में मुंबई से एक अभिनेता को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी अभिनेता अभिषेक धीरवानी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए जयपुर लेकर आई है। परिवादी गौरी शंकर की ओर से स्पेशल साइबर थाने में करीब 1.5 लाख रुपए की साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पीड़ित ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके के अभिनेता अभिषेक धीरवानी पर ठगी का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी अभिषेक को मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपी अभिषेक ने फिल्म क्या सुपर कूल है हम सहित अन्य कई फिल्मों और एल्बम में काम किया है। सेटलिंग विद्यालय समूह का वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। बिरला ऑडिटोरियम में हो रहे 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव को इग्नाइट नाम दिया गया है। 2 दिनों के वार्षिक उत्सव का आज रंगारंग आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड अभिनेता वर्धान पुरी मौजूद रहे। साथ ही सेटलिंग स्कूल डायरेक्टर संदीप बख्शी और प्रीति बख्शी भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे।
विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। डायरेक्टर संदीप बख्शी ने बताया कि हर साल आयोजित होने वाले वार्षिकोत्सव को इस साल 2 दिनों तक मनाने का फैसला लिया गया, क्योंकि करीब 800 से ज्यादा बच्चे वार्षिकोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों में प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही बच्चों को पढ़ाई के साथ ही अन्य गतिविधियों में भी एक्टिव करने में ऐसे आयोजन काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। वर्ड जो आज थीम है, 2 दिन की, इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को, विचार को, उसको इग्नाइट करना। बच्चों का कॉन्फिडेंस, बच्चों का स्टेज फोबिया दूर, और इस तरह के इवेंट इम्पोर्टेंट हैं ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं 2 मिनट में फटाफट अंदाज में क्राइम की खबरें। 12 में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रैक्टर चोर गिरोह का किया खुलासा, 5 आरोपी यानी चोर गिरफ्तार। तो पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 12 में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कोटा में कल स्ट्रीट शीटर रणवीर चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के तार शिवराज गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 12 के अटरों में चोरों ने लोकोश ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों का माल हाथ साफ कर दिया। पुलिस के मुताबिक चोर शटर को सरिये से तोड़कर अंदर घुसे और दुकान में रखी अलमारी से सामान उठा ले गए। बोजासर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर 2 स्मैक सप्लायर्स को 16 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर पूरे मामले का पर्दाफाश करने में जुटी है। टोंके देवली में जयपुर कोटा राजमार्ग पर दौलता मोड़ के पास आरटीडीसी के पुराने खंडहर नुमा भवन में फांसी पर लटका युवक का शव मिला है। जिन परिस्थितियों में युवक का शव मिला है वो संदेह पैदा कर रहा है। हिंडौन सड़ी के आशीष मेमोरियल पब्लिक स्कूल के पास रहने वाले बैंक मैनेजर की बुलेट मोटरसाइकिल को चोरी करने की खबर सामने आई है और पीड़ित मैनेजर ने हिंडौन कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। अजमेर के सेंट्रल जेल में एक बार फिर से कैदी के पास मोबाइल बरामद हुआ है। इस मामले की शिकायत जेल प्रशासन में सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने हमेशा की तरह इस बार भी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। उदयपुर के लसाड़िया थाना क्षेत्र से संदिग्ध हालत में एक बीमा एजेंट का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। पुलिस के मुताबिक शख्स का नाम प्रेम शंकर शर्मा है। नरमा में टोंक जिले के कचरावता चौराहे पर नरमा एसडीएम द्वारा एयर गन से फायर करने का मामला सामने आया है। एसडीएम का कहना है कि वो रोजाना निशानेबाजी के चलते ऐसा करते हैं। एसडीएम पर आरोप था कि उन्होंने डंपर चालक से जरूरी कागजात मांगे और उसे धमकाने के लिए फायर किया। भीलवाड़ा में एसीबी ने बिजली निगम के मांडल क्षेत्र में विजिलेंस के एएन को 25,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घरेलू बिजली कनेक्शन पर बिजली चोरी को लेकर भरी गई 20,000 राशि कम करने के एवज में शहर की अंसल कॉलोनी में अपने आवास पर यह रिश्वत ली। चौमू थाना इलाके के अहीरों की ढाणी के पास खुले भूखंड में एक बुजुर्ग का लावारिस शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव पड़ा होने की सूचना दी, हालांकि शव अभी तक शिनाख्त इसकी नहीं हो पाई। उदयपुर में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई का मामला सामने आया है। जिले भर में पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है। 40 से अधिक अवैध बजरी से भरे डंपर और ट्रैक्टर को जब्त किया गया। अवैध बजरी परिवहन लिप्त 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और इसी के साथ फिलहाल जयपुर सिटी में इतना ही। नमस्कार।